बचपन की बहुत सारी यादें ना संडेज में बसी होती हैं। सोचिए जरा, सोचिए, क्योंकि संडे को सब लोग घर पे होते हैं और कुछ अनोखा जरूर बनता है या बाहर से आता है। माय संडे मेमोरी इज दैट जब भी मैं अपनी मासी जी के यहाँ जाता था या बुआ के घर जाता था तो स्पेशल छोले भटूरे आते थे। वो छोले काले कलर के होते थे, पिंडी छोले, और बहुत टेस्टी होते थे। बहुत सालों तक ढूंढी उसकी रेसिपी, फिर मासी ने बताई दी, ये मेरी मासी जी की रेसिपी है। दर्शी मासी, आप वाली। तो सबसे पहले जो ये सफ़ेद यानी कि चिट्टे छोले, पंजाबी में कहते हैं उसको चिट्टे छोले, क्योंकि काले चने भी होते हैं, तो जो चिट्टे छोले हैं उनको सूखा आंवला या फिर टी बैग्स, इनके साथ ना उबालने चढ़ाए थे। एकदम सॉफ्ट उबलने चाहिए और जब उबलेंगे तो एकदम काले हो जाएंगे, क्योंकि ये चाय का जो सारा कालापन है वो इसमें आ जाएगा। चलो जी, अब ये चने हैं इनको रात भर भिगोया जाता है, भिगोने के बाद इसे उबाला जाएगा। 5 से 7 सीटी लगेंगी, डिपेंड करता है, चने चने हैं, अच्छी तरह पकाना है और जब पकेंगे ना तो एकदम काले कलर के निकलेंगे। दिखाऊंगा कैसे। इसे करा साइड में और अब इसका बनेगा बढ़िया सा मसाला। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं पिंडी छोले में और मेन जो स्वाद आता है वो आता है भुने हुए जीरे का, अजवाइन का, साथ ही में डलती है थोड़ी सी ये काली मिर्च। अच्छा, बड़ी इलायची ना अच्छी क्वांटिटी में डलती है क्योंकि उसकी जो खुशबू है ना मज़ेदार। थोड़ी सी छोटी इलायची, 1 या 2 जावित्री, थोड़ा सा ये लवंग और थोड़ा सा ये जायफल, साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा तेज पत्ता और थोड़ी सी दालचीनी। अब इन सारे मसालों को हल्की आंच में ना भून लिया जाएगा, क्योंकि भूनने से वो जीरा और जो अजवाइन है और जो इलायची है उसका जो खुशबू है ना वो और बढ़ जाएगी। ये कुटा हुआ अनारदाना है, अनारदाने को अच्छे से फाइन पाउडर कर लेता हूँ। ये लो जी, ये हो गया अनारदाने का फाइन पाउडर, और ये लो जी, ये जो हो गए मसाले। चलो जी, मसाले भी हो गए, हुण डालो जी, डालो जी। चलिए जी, ये सारे मसाले अब पीसेंगे बढ़िया से, क्योंकि बढ़िया से रोस्ट हो गए खुशबूदार। बहुत सारी रेसिपीज़ में वनस्पति यूज़ होता है और घी, मतलब आप समझ रहे हैं, तो अगर इतना घी नहीं डालना तो हाफ तेल डाल दीजिए। घी और तेल मिक्स कर दिया है, इसे स्मोकिंग पॉइंट पे लाना पड़ेगा। हो गई लगता है मेरे को, 6-7 सीटी हो गई हैं, चने बनने में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। अब चाहिए आपको एक बढ़िया सी कढ़ाई। ओके, अब ये चाय की पत्ती आउट, अब होगा जी कमाल। ये गरम गरम जो चने हैं इनका पानी और चनों को थोड़ा सा देर के लिए सेपरेशन दिया जाएगा। ठीक है जी, अब ये जो है इसमें हम डालेंगे ये मसाला, खुशबूदार मसाला, बढ़िया 1 से 1.5 बड़ा चम्मच, साथ में पड़ेगी देगी मिर्च का पाउडर, काला नमक, धनिया पाउडर, और ये जो अनारदाना पाउडर हमने बनाया था जितना मसाला उससे थोड़ा सा ज़्यादा अनारदाना पाउडर, थोड़ा सा अमचूर का पाउडर। अब इन्हें मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा। अब इन पे डालेंगे ये पतले कटे हुए टमाटर के जूलियन, प्याज के जूलियन, हरी मिर्ची आधी कटी हुई, अदरक के जूलियन, चॉप किया हुआ धनिया, और इसको एक बार फिर से मिक्स। ठीक है जी, अभी देख सिंपल। अब करते हैं गैस ऑन, और अब ये जो ऑयल और घी का जो मिक्सचर उसको
गर्मा गर्म ये प्याज टमाटर मसाले हरी मिर्च के ऊपर ये ओए होए होए पिंडी छोलों में स्वाद इससे आता है और मसाले से आता है। हाँ ये हुई ना बात। अब ये जो पानी है इसे भी डाल दिया जाएगा और थोड़ा पानी और अब इन्हें 10 से 15 मिनट लगेंगे आराम से हल्की आंच पे वो सारे फ्लेवर्स को खींचने में। और जब वो खींच जाएंगे ना तो पिंडी छोले तैयार हो जाएंगे, साथ में भटूरे बन रहे हैं बढ़िया से गोल गोल फूले फूले। जय बात। अब प्याज भी गल गए हैं, टमाटर भी, और घी जो है ना वो पानी के साथ मिलके ग्रेवी बन गया है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप घी तेल कम डाल सकते हैं, थोड़ा फ्लेवर में फ़र्क आएगा बट चल बे। अब ये जो पिंड दे छोले हैं ये आ गए जी यहाँ पे। ओए होए होए क्या बात है, कलर देखो जी। इसके ऊपर आएंगे थोड़े से टमाटर के जूलियन, प्याज तो बहुत ज़रूरी है, हरी मिर्च भी और धनिया भी। ये पिंड दे छोले जो है ना बड़े ही टेस्टी हैं भैया। संडे की यादें जुड़ी हैं मेरी इससे। अब आप क्या देख रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, बनाइए रेसिपी को भटूरों के साथ, इन्हें एंजॉय कीजिए। दे डोंट नीड एनीथिंग एल्स बट भटूरे।